हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि पाठक इन अ कॉन्वर्सेशन विद परा त्यागी। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। कैसे हो आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये सीजन के बिग बॉस को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या कहेंगे? एक लाइन में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार का जो सीजन है बिग बॉस 13 वो बिग बॉस 13 वाकई में टेढ़ा है और बहुत क्रेजी है। इस बार अंदर मेरे ख्याल से इट्स ए टोटल मैड हाउस। इतना मैड हाउस शायद कभी नहीं हुआ है। पहले लोगों में कहीं ना कहीं इमोशंस थे, यहाँ तो मुझे कहीं इमोशंस दिखाई ही नहीं दे रहे हैं बिकॉज सब लोग अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग थोड़ा सा गंदा गेम खेल रहे हैं, ज़्यादातर लोग, जो कि आज तक किसी भी सीज़न में इतना नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाइप भी हुआ है शायद सीजन, लोगों को पसंद भी आया है और क्रिटिसाइज भी हुआ है। बोलते हैं ना कि वही पीपल विल लव इट और हेट इट, पर इग्नोर नहीं होगा ये वाला सीजन फॉर श्योर। तो एक्चुअली टेढ़ा है 13 सीजन और कोइंसिडेंटली शेफाली भी इसी सीजन में अंदर गई है। तो आई रियली फील समटाइम्स कि यार आई नो, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। सबसे हाई रेटेड टीआरपी वाला रियलिटी शो माना जाता है बिग बॉस। किस हद तक रियलिटी है इसमें आपके हिसाब से? इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ यार, बोल रहे हैं तो होगा ही। आई थिंक उस टाइम स्लॉट का है हाईएस्ट रेटेड, उस टाइम स्लॉट का डेफिनेटली है। बट आई थिंक बिग बॉस अच्छा कर रहा है इसीलिए 5 हफ्ते एक्सटेंड भी हुआ है। जब कोई चीज़ अच्छी करती है उसी के बाद ही वो चीज़ को एक्सटेंशन मिलता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पीरियड का मैं डेफिनेटली मान सकता हूँ जो स्लॉट है उसका, वो डेफिनेटली मोस्ट हाई रेटेड शो है। सो जो करंट सिचुएशन है बिग बॉस हाउस में, अगर आपको मौका मिलता है कि जाके कुछ बदलाव ला सके तो वो क्या चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे? मैं यार सिर्फ एक ही चीज़ बदलना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर शिफाली है इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बोलूँगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं हो, मैं एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं वहाँ पर एक बदलाव ये लाना चाहूँगा कि जो लोग गंदा खेल रहे हैं ना, मैं उनको सबको पहले ये बोलना चाहूँगा कि यार कोई भी एक इंसान जो है ना वहाँ पर, जो लड़कियों के साथ ढंग से बातें नहीं की जा रही हैं, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं की जा रही हैं, जिसके अंदर आप डर्टी गेम नहीं खेल सकते वहाँ पे यार, बिकॉज आप एक नेशनल टेलीविजन पे हो, उसमें आप एक लड़की की इमेज के बारे में बात करके उसमें आप अपनी ही इमेज गिरा रहे हो मेरे हिसाब से। मुझे लगता है बिग बॉस घर में अगर मैं जाके कुछ बदलाव लाना चाहूँ तो मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है ना, लोग है ना किसी भी तरह का गेम खेल रहे हैं वहाँ पर। मुझे लगता है कि सब लोग कैसा भी गेम खेलें वो सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी के कैरेक्टर पर जाके गेम खेलें तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी इंसान हो, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के कैरेक्टर को लेके जब वो बातें करते हैं, किसी के कैरेक्टर को डाउट करते हैं या किसी के कैरेक्टर को एसेसिनेट करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो कि इस सीज़न में आई थिंक सब लड़कियों के साथ किया गया है, जिसमें से खासकर आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को मास्टर माइंड बोलते हैं, पारस छाबरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा एसेसिनेट किया है। एवरी गर्ल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई वाइफ ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ईच एंड एवरी गर्ल, भले ही वो रश्मि हो, भले ही वो आरती हो, भले ही वो शहनाज हो, भले ही वो माहिरा हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली सीक्रेट रूम में उन्होंने माहिरा का भी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया है। जब विशाल उनको हक कर रहा था या वो बातें कर रही थी, उनके फेस पर देखने वाली एक्सप्रेशन थे कि देखने वाले एक्सप्रेशन थे और बोल भी दिया कि आई थिंक शी इज़ लाइकिंग इट, मैं तो उसकी बजा दूंगा जाके, ये कर दूंगा। अरे यार मुझे पता है क्या प्रॉब्लम लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान चोर होता है ना उसको पूरी दुनिया चोर नजर आती है। तो पारस शायद जिस तरीके से दूसरी लड़कियों को, जिस इंटेंशन के साथ दूसरी लड़कियों को हक करता है, उसको शायद ऐसा लगता है कि हर लड़का एक लड़की को वो वैसे ही इंटेंशन से हक करता है, इसीलिए ही डजंट ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स जो माहिरा हैं उसको ट्रस्ट नहीं करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रस्ट नहीं करता है। क्योंकि जब हम लोग सलमान सर के साथ डिस्कशन में गए थे तो आकांक्षा ने बोला भी था वहाँ पे, मेंशन भी किया था कि वो बहुत पजेसिव हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है, पारस को अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी भी लड़के से बात करें, उनके सारे मेल फ्रेंड्स को उन्होंने छुड़वा दिया है, वो किससे बात नहीं कर सकती है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती है, आप कुछ भी करो वो अच्छा होता है, और अगर कोई एक फ्रेंडशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। और विशाल ने बहुत अच्छी बात भी बोली थी कि लड़की को एक टच पता चलता है जी, लड़की को टच समझ में आता है जी। तो वो उस इंसान को क्या पता होगा, मेरे जो है ऐसा लगता है कि और मुझे कई बार पहले गुस्सा आता था, अभी तो थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर अभी दया आती है, बहुत हंसी भी आती है
कि आई रियली फील पिटी ऑन हिज गर्लफ्रेंड हिज मदर ऑल्सो बिकॉज उसकी माँ ने उसको बड़ा किया है. उनकी मम्मी को क्या फील हो रहा होगा एक्चुअली उसको पता नहीं है. ये मुझे लगता है कि उसकी मदर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसकी मदर ने उसको बड़ा किया है और हमेशा ये भी बोलता है कि लड़कियों के थ्रू मुझे मेरी कुंडली में लिखा है कि लड़कियों से ही मुझे सक्सेस मिलने वाली है. ये उसने टेलीविजन पे बोला है और मैंने सुना है आप भी देखेंगे एपिसोड में तो कि मेरे तो कुंडली में लिखा हुआ है कि औरतों की वजह से लड़कियों की वजह से ही मुझे सक्सेस मिलेगी. तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको और ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए लड़कियों की जो कि वो उल्टा करता है. तो आई डोंट नो बस मैं तो डेफिनेटली वो चीज़ चेंज करना चाहूँगा. अगर मैं उस घर में होता तो मैं तो सबसे पहले ये बोल देता है बॉस कोई लड़की मेरे ग्रुप में है नहीं है. किसी लड़की को मैं पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ लेकिन अगर कोई भी इंसान किसी भी लड़की के बारे में गलत जाएगा मैं उस लड़की का साथ दूंगा भले ही वो कोई मेरा दोस्त क्यों ना हो. तो मैं ये वाली चीज़ सिर्फ डेफिनेटली मैं चेंज उस बिग बॉस हाउस में करना चाहूँगा. और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहा था जो थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ कि बिग बॉस इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्टेप उठाएंगे भले वो वीकेंड का वार हो उसमें इस बारे में डिस्कशन होगा जो नहीं हुआ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ. मुझे लगता है कि यहाँ पर बिग बॉस को कहीं ना कहीं एक एक स्टैंड एक मर्यादा होती है ना एक सीमा होती है वो थोड़ा उनको एक मेंशन करके चलना चाहिए. तो वो था. बाकी अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ होने ही नहीं देता. तो जैसा कि आपने अभी कहा कि पारस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पोजेसिव रहते हैं लेकिन बिग बॉस के घर में खुद तो वो सभी से इतने घुल मिल रहे हैं तो आपके हिसाब से इज ही लाइक दैट एज अ पर्सन और इज इट जस्ट टू कम इन द लाइमलाइट ऑफ द रियलिटी शो. नहीं मैं एक्चुअली उसको इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज जो आकांक्षा उनके गर्लफ्रेंड ने बात की थी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक्चुअल टेलीविजन पर डिस्कशन में ये वाली बात बोली है कि वो बहुत पजेसिव हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप करो तो रासलीला दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला. तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए और डेफिनेटली और कल भी हुई थी आई थिंक जब माहिरा और पारस का कुछ चल रहा था तो आसिम ने बोला तो उसने बोला कि हाँ मैं किसी की चीज़ को शेयर नहीं करती हूँ. तो आसिम ने बोला था कि यार उसकी वो तो शेयर कर दिया ना तो पारस को तो वो बोलते क्या मतलब. तो उसने बोला तू अच्छी तरह जानती है बाहर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में. तो पारस बोलता है कि नहीं नहीं वो बाहर है या अंदर है. आई डोंट नो वो कैसे स्टेटमेंट देता है यार. वो स्टेटमेंट्स मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं. वो अभी वो पगला चुका है या वो मजाक में ऐसा बोलते हैं कि वो मीन करते हैं यार. वो साफ दिखता है वो पता है बोल जाता है चीज़ों को मीन करने के लिए मजाक में. लेकिन यार एक चीज़ बताओ उसकी गर्लफ्रेंड ये चीज़ मजाक में बोल दे तो कैसे फील होगा उसको. चलिए सही बात है. कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हर मजाक की भी एक सीमा होती है. तो भले वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो माँ बाप का हो भाई बहन का हो आपके दोस्त का भी हो या आपकी गर्लफ्रेंड का हो आपकी वाइफ का हो हर मजाक की भी एक सीमा होती है. और आप बोल दो तो मजाक है भाई. अगर ऐसी बात आकांक्षा या कोई उसकी गर्लफ्रेंड बोल दे कल को माहिरा ने उसको हक किया उसने बोला यार मेरा दोस्ती तो है वो उसके ऊपर चढ़ गया था तो मतलब आप बोलोगे तो मजाक ठीक है वो करेंगे तो वो थोड़ा बनता नहीं है. मुझे समझ में नहीं आता है. तो मुझे लगता है वो वहाँ जाके पगला चुका है या उसको क्या हो गया वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है उसको लगता है वो बिग बॉस को खिला रहा है. तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है. बहुत मिक्स फीलिंग्स है उसको लेके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. बट आई थिंक वो उसका ट्रू कैरेक्टर अभी निकल के आया है जो वो है असल लाइफ में वो चीज़ निकल के आई है और जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मदर को भी सरप्राइज होगा और आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड को भी डेफिनेटली सरप्राइज होगा इस चीज़ को देख के. सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम पारस हम पूछना चाहेंगे कि अ पार्ट ऑफ योर हार्ट इज इन द हाउस एज वेल. तो उनके गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे. हाउ आर यू फीलिंग द वे शी इज बीन यू नो इन द हाउस. वो बहुत अच्छा खेल रही है. बीच में थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि जब हिमांशी आउट हुई तो उनके साथ एक्चुअली हमारा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ भी बोल सकता हूँ प्रॉब्लम नहीं है कि जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. और शिफाली बिग बॉस के घर में जाके इमोशनली इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोग सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे. लेकिन हिमांशी ने भी एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया है शिफाली का तो बहुत अच्छी मित्र बन गई. उनके जाने के बाद शिफाली है ना कहीं अकेलापन महसूस कर रही थी तो वहाँ शायद कुछ एक आधी गलती हो गई उनसे लेकिन उनको वापस रियलाइजेशन हुआ. वो बहुत स्ट्रांग है. वो हमेशा रीअसेस करती हैं अपनी चीज़ों को और अभी वो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया सलमान सर के सामने और वो अभी और ज़्यादा अच्छा खेलेंगे. और शी हैज़ टू बी हर सेल्फ ट्रस्ट मी और वो वैसा ही बन के आगे तक जाएंगे. बिग बॉस के दर्शकों ने भी एक सवाल किया था कि हाल ही में शिफाली ने भाव के लेटर्स फाड़ दिए जबकि दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो आपके हिसाब से वाज दैट अ फाइन थिंग टू डू या
क्या वजह मैं उसमें मैं मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी गलती उसी बारे में मैंने बोला, क्योंकि हिमांशी चली गई तो वो अकेला फील करने लगी, और उनसे जो गलती मैंने डिस्कस बात की थी अभी वो यही थी कि भाऊ का लेटर फाड़ने वाली वो, अगर मैं गलती इसलिए बोलूंगा क्योंकि भाऊ के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और भाऊ उनको बच्चे की तरह मानते हैं, सिस्टर की तरह मानते हैं, तो अगर भाऊ की जगह कोई और होता तो मैं 100% बोलता कि खेल अच्छा खेला वो, और डेफिनेटली इट्स अ गेम, यू हैव टू प्ले अ गेम, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो वो गेम हो जाता है, शिफाली ने किया तो वो इमोशंस हो जाते हैं, मैं खुद बोलूंगा इमोशन है बिकॉज भाऊ के साथ एक कनेक्शन है, तो आई थिंक उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि सब लोगों ने देखा अभी उस चीज़ को लेके। उसकी बैक स्टोरी पर अगर हम जाएंगे तो शिफाली ने बोला था कि पराग, बिकॉज वो आसिम को चाहती हैं वाकई में कि कैप्टन बने, क्योंकि आसिम शुरू से चाहते हैं कैप्टन बनना, कि आप कैप्टन बन जाना, आप मेरा लेटर फाड़ देना, ये बोला था आसिम को। पराग का मैसेज मुझे मिल चुका है विकास के थ्रू, विकास को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और मैंने मैसेज दे दिया था उनको, और लेकिन फिर भी एक वर्बल मैसेज में और रिटन मैसेज में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई कि यार ठीक है आपको लेटर मिले तो आप श्रेड कर देना, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप कैप्टन बन जाए। अब उसको मेरे मुझे लगता है शेफाली को भी नहीं पता होगा, परी को भी नहीं पता था कि बिग बॉस ऐसा कुछ टर्न कर देंगे टेबल को, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है एक्चुअली, और फिर उसके बाद वो इमोशन, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बैठी हुई थी और फिर आसिम ने जाके कुछ उनका झगड़ा हुआ, आसिम ने बोला कि मैंने थोड़ी बोला था कि क्या सेक्रीफाइस है ये सब चीज़ें, नहीं स्टार्टेड शाउटिंग एट हर, तो वहाँ पर शेफाली आई थिंक शी लॉस्ट इट कि यार आई एम नॉट सेइंग कि यू अप्रिशिएट इट, एटलीस्ट एक्नॉलेज इट। वो वहाँ बैठी है, कोई भी होता, मैं भी होता, मैं भले ही वो एक्नॉलेज वो ना करूँ, अप्रिशिएट ना करूँ, मैं बोलता इट्स ओके यार, आई नो तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट इट्स ओके, हो गया, लेट्स प्ले द गेम रादर देन फाइटिंग, और जो भी चीज़ थी चिल्लम चिल्ली करने की, वहाँ पर शिफाली का दिमाग खराब हो गया, और उसके साथ फिर शिफाली का जब दिमाग खराब होता है तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, उन्होंने तभी बोल दिया था किसी का भी लेटर आएगा मैं फाड़ दूंगी, और वहाँ पर एक छोटी सी गलती ये होगी कि भाऊ का लेटर आ गया कोइंसिडेंटली, अब भाऊ का लेटर आया और उन्होंने अगर एक सेकंड भी रुक जाती ना, मुझे, मैं इतना जानता हूँ शिफाली को कि लेटर आने के बाद वो एक बार खड़ी होकर बोलती भाऊ मेरा आपका लेटर मेरे हाथ में और मैं फाड़ने जा रही हूँ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो फ्रैक्शन ऑफ 3 or 4 seconds का भी टाइम मिलता ना शिफाली नहीं श्रेड करती, बट वो उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने जाते ही उठाया, श्रेड किया और मेरे पास लेटर है, वो तब बोला, आपने देखा होगा कितना फास्ट हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई थी, मैंने इसीलिए सोशल मीडिया पर भाऊ को माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि भाऊ को लेटर देना चाहिए था, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में, जिसको भाऊ ने भी माफ़ कर दिया शिफाली को, क्योंकि मैंने शिफाली को कभी, लोग भले ही बोल रहे हों कि सिंपथी कार्ड के लिए किया है ये सब किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ शिफाली को, आज तक शिफाली को मैंने रोते हुए नहीं देखा है, वो रोती नहीं है कभी भी, वो इतनी स्ट्रांग लड़की है, लेकिन उसने भाऊ के लिए वाकई में वो दिख रहा था कि वो जेन्युइनली वो रो रही है, और वो बाकी लोगों की तरह नहीं है जो एक सेकंड में रोने लगते हैं एक सेकंड में हंसने लगते हैं, आपने देखा वो कभी रोई नहीं है, ना उसने कभी विक्टिम कार्ड खेला है, ना उसने कभी वुमेन कार्ड खेला है, वो टास्क करती है तो बराबर तरीके से करती है, ये नहीं बोलती कि भाई तुम लड़के हो या मैं लड़की हूँ, वो पूरी तरह से करती है, तो वाकई में इमोशन थे उसके, वो बार बार यही बोल रही थी कि यार मेरे अंदर पता नहीं क्या आ गया था, वो मेरे से गलती हो गई, तो भाव ने भी माफ़ किया, जिसमें अगेन आसिम ने आके चिल्लम चिल्ली की उनके साथ, जबकि भाव ने उसको बोला, और इसके लिए भाव ने नॉमिनेट भी किया उसको कि यार मेरे भी उसकी भी इसी बात थी ना, तू क्यों बोल रहा है, बट वो आई थिंक इट हैपन्स इन द फैमिली, फैमिलीज में होती रहती हैं गलतियाँ, एज लॉन्ग एज सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, और मुझे लगता है कल का एपिसोड देख के शायद आसिम के साथ सॉर्ट आउट हो जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ही इज़ वो, मैं उमर से भी मिला उनके भाई से, वो दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हैं और दिल के साफ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वापस दोनों की दोस्ती हो जाए और अच्छा ही है। सो आखिर है ये बिग बॉस का घर, तो इसमें कंट्रोवर्सी, झगड़े, नोकझोंक, हंसी मजाक सब तो चलता ही रहेगा, बट इस दौरान काफ़ी लोग बॉन्ड भी कर चुके हैं इस घर में, तो आपको क्या, आपको लगता है कि सिद्धार्थ के लौटने से इस चीज़ पे इफेक्ट होगा? नहीं, आप किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं? शेफाली एंड जो उनके फ्रेंड्स हैं बिग बॉस हाउस में। नहीं, शेफाली सिद्धार्थ के लौटने से, वो तो पहले से बॉन्डिंग है उनकी। सी, अभी शिफाली डेफिनेटली मिस करेगी भाऊ को, हिमांशी, जैसे आसिम, हिमांशी, भाऊ और शिफाली का बहुत अच्छा वो था, तो अभी डेफिनेटली मिस करेगी। मुझे कल थोड़ा सा आसिम हिलता हुआ नजर आया, जो कि आसिम है नहीं वो एक्चुअल में। आसिम क्या है, आसिम फियर्सली खेल रहा है वो। अभी कल जाके उसने पहले शिफाली को उसने बोला कि यार हमें साथ में रहना है, बिकॉज दोनों चले गए हैं हिमांशी, तो वी हैव टू बी, एंड शिफाली इज लाइक दैट, वो हमेशा साथ देगी। बट वो सिद्धार्थ को जाके शिफाली के बारे में गलत बात बोलना,
और सिद्धार्थ की बातों में हाँ में हाँ मिलाना, और फिर जब वापस आया वो रश्मि के वहाँ पे तो कुछ और बोलना, तो वो आसिम है नहीं। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कन्वे कर रहे मैसेज यार, उसको बोलो कि तू जैसे खेल रहा है ना वैसी खेल, तू फियर से वैसे ही खेल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, भले कोई सिद्धार्थ आ जाए या कोई आ जाए तू, बट यहाँ पर शायद लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे द वे नाउ यू आर ट्राइंग टू प्ले कि हाँ मैं सिद्धार्थ के पास भी ऐसे किया, तुझे शेफाली पसंद नहीं है जा सिद्धार्थ के पास ओपनली जा, तुझे सिद्धार्थ पसंद नहीं है इधर होना है, बट ओपनली जो ओपन करता है वो हर चीज़ों को, उसने कभी भी ऐसे नहीं किया कि पीछे जाके किसी को कुछ बोला है, वो कल उसने थोड़ा सा कर दिया है जी। जो कि मुझे थोड़ा सा आई थिंक वो भी अगेन वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, बिकॉज हिमांशी के जाने के बाद कई बार होता है ना प्यार में इंसान सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो लेकिन अभी आई थिंक वो बैक ट्रैक पे वापस आ जाएगा। मेरा बस ये मानना है कि भाई तू जैसा खेल रहा था वैसा खेल, जिस तरफ होना है उस तरफ जाके खड़ा रहे बस वहाँ पे। तो आखिर में आपके आपके हिसाब से बिग बॉस हाउस में दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स जो डिजर्व करते हैं जीतना वो कौन हो सकते हैं, और दो वीक कंटेंडर्स जो आपके हिसाब से डोंट डिजर्व टू बी इन द बिग बॉस हाउस, और दो ऐसे कंटेंडर्स जो चले जा चुके हैं बट दे डिजर्व टू बी बैक इन द हाउस? देखिए मैं दो तीन कंटेंडर क्या, मैं तीन या चार का नाम ले सकता हूँ जो डेफिनेटली जीतने की क्षमता रखते हैं। ऑफ कोर्स शिफाली तो है ही, सिद्धार्थ, आसिम एंड शहनाज, क्योंकि शहनाज से ज़्यादा इंटेलिजेंट और शानी कंटेंडर मुझे नहीं लगता आज तक बिग बॉस के 13 किसी भी सीजन में आया है, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो शहनाज को खिला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज बिग बॉस तक को खिला रही है वो, बाकी सिद्धार्थ और पारस तो छोड़ दो जी। वो बिग बॉस को खिला रही है, वो इतनी मस्त, वो जीतना जाए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जीत भी गई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जिस हिसाब से वो गेम खेल रही है कमाल का गेम खेल रही है वो। अब यार उसकी आज तक ऐसा कंटेंडर ही नहीं आया, मुझे बताओ ना ऐसा कोई कंटेंडर आया, वो नहीं आया है, वो लड़की सबको खिला रही है और इट्स अ कॉम्प्लीमेंट सीरियसली। और जो डिजर्व नहीं करता है यार, मैं कौन होता हूँ एक्चुअली बोलने वाला, डिजर्व नहीं करता हूँ, बट जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग थोड़े लॉस्ट फील हो रहे हैं, जिसके अंदर मधुरिमा अभी जो आई हैं और उनके आने के बाद विशाल भी थोड़े से लॉस्ट लगने लगे हैं, जबकि विशाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह उभरे थे। अभी उनके साथ जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत फेक लग रहा है लोगों को। कल भी उनका नॉमिनेशन हुआ तो वापस उनका वो प्यार मोहब्बत चालू हो गया। मेरा तो ये मानना है अगर आप प्यार करते हो छाती ठोक के प्यार करो यार, लड़ाई कर रहे हो तो बट लड़ाई करते करते ही बोलो ना, अगर तू प्यार करता है विशाल तो बोल ना मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तू नहीं करती इट्स ओके जी, तुझे मेरे से लड़ना है लड़, लेकिन मैं आई लव यू, इफ़ यू विल नीड मी आई एम ऑलवेज देयर, यू वांट टू फाइट विद मी फाइट बट आई लव यू, वो छाती ठोक के करो ना, वो चीज़ लोगों को देखनी होती है, ना कि अभी आप एक सेकंड में झगड़ा कर रहे हो, और वो बहुत दिल से नहीं लग रही है चीज़ें, वो साफ दिख रहा है, वो हो सकता है वो सच्चाई में करते हो, वो प्यार भी करते हो और शायद वो रियलिटी में करने की कोशिश कर रहे हो, वो कम अक्रॉस नहीं आ रहा है जी, जी। तो वो थोड़ा सा जो कि सलमान सर ने भी बोला वो फेक लग रहा है, वो उसी वजह से विशाल भी थोड़े से वीक पड़ गए हैं अभी। तो ये हैं अरहान, ऑफकोर्स अरहान मैं जो भी मैटर हुआ उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, उसकी वजह से नहीं, मुझे पहले से ही थोड़ा सा मुझे वो वीक लगते थे। अरहान डेफिनेटली है, और आजकल शिफाली बग्गा भी जो इस टाइम घर पे हैं, क्योंकि शिफाली बग्गा को आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ बिग बॉस में वापस बुलाया गया था, तो वो ऑफकोर्स लगती है मुझे। और दो ऐसे शख्स जो जा चुके हैं बिग बॉस घर से लेकिन आपके हिसाब से उनको रहना, यू नो दे डिजर्व टू स्टे बैक, आई थिंक एक थोड़ा सा चांस हिमांशी को देना चाहिए जी, मुझे हिमांशी के बारे में लगता है। और भाव तो अभी गए हैं, मैं एक्चुअली सरप्राइज था भाव, क्योंकि भाव की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है यार, और उनके सामने मधुरिमा का टिकना मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि यार एक आदमी तो सेन चाहिए ना घर में, राइट, मेरा ये मानना है एक आदमी तो सेन चाहिए, एंड ही वॉज अ वेरी सेन पर्सन, वो आई डोंट नो लोगों को क्यों उनकी चीज़ें पसंद नहीं आई, वो मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट ऑफकोर्स भाव को मैं चाहता हूँ कि मौका देना चाहिए भाव को, और आई होप सो, तो ये लगते हैं मुझे। बाकी तो आई थिंक और कोई ऐसा कंटेंडर है नहीं जो। सो मेरा आखिरी सवाल, जब आपको पता लगा कि ये सीजन एक्सटेंड
हो चुका है तो आपके अरे क्या? बाबा मैंने तो सबसे पहले तोते उड़ गए। मैंने कहा यार 10th जनवरी तक एक माइंड बना के बैठा हुआ था कि 10 जनवरी तक ये होगा, और 10 जनवरी के बाद सडनली पता चला 16 फरवरी हो गया अभी। और अब प्लीज बिग बॉस और तो एक्सटेंड नहीं करोगे ना? क्योंकि मेरा तो ये प्लान था कि बिकॉज आई नो वहाँ पर कितनी टेंशन होती है, कितनी थी, तो मैंने 10 जनवरी का कि जैसे ही परी बाहर आएगी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि फिनाले तक जाएंगी। सोचो लोगों को इतना पसंद आ गया है कि सीजन ही एक्सटेंड हो गया। वही तो मुझे ये था कि 10 जनवरी को लेटेस्ट वो बाहर आएंगे तो इंडिया के बाहर ही सीधा लेके जाऊंगा 4-5 दिन के लिए मे बी, बिकॉज यहाँ पर तो जो वहाँ हालत है उनकी यहाँ पर भी उससे कम नहीं होने वाली है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें चलती रहेंगी, सेम लोगों के साथ बातें करनी, वो सब चीज़ें, तो 4-5 दिन के लिए तो मैं उनको वैसे ही बाहर लेके जाने वाला था इंडिया के बाहर। और वो मेरा पूरा प्लान कैंसिल हो गया। मैंने तो सब बुक भी करा दिया था, वो सब कैंसिल कराना पड़ा मुझे। बट ओके, फेब में चले जाएंगे 16 फरवरी को। तो ऑफकोर्स बुरा भी लगा लेकिन अच्छा भी है ना, इट्स ओके, शी विल हैव मोर एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि बिग बॉस में जाने के बाद इंसान में बहुत चेंज आता है, आएगा पेशेंस ऑफकोर्स, उनको पता चलता है कि लोग कैसे हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, लोगों के साथ मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बट लोगों की सच्चाई नहीं पता चलती है जी। तो वो सच्चाई बिग बॉस हाउस में रहने के बाद समझ में आती है कि हाँ यार लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो इट्स ओके। तो आखिर में जितने भी लोग अभी तक शिफाली को वोट करते जा रहे हैं उनके लिए एक मैसेज कि वो लगातार करते रहें और जिताते रहें। मैं सभी दर्शकों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने शिफाली को इतना प्यार दिया है। और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जितना प्यार देते हैं उससे ज़्यादा और प्यार दीजिए शिफाली को, और शिफाली को बिग बॉस का विनर बना के बाहर निकालिए। थैंक यू सो मच। We'll be right back.